समय का पहिया गोल है, जो बीत गया है हमेशा लौट कर आएगा। आज से बहुत वर्ष पहले अथर्व वेदाचार्य टी ने घोर तप अनुष्ठान करके देवी वाराही का आह्वान किया। उसे प्रसन्न होकर देवी वाराही ने मांत्रिक को एक जादुई पेटी दी। उस जादुई पेटी में अमानुषी शक्तियों वाला एक चातन भी था। देवी वाराही ने कहा कि यह चातन तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करे, और अंतर ध्यान हो गई। परंतु पोटी ने चातन को अपने वश में करके उस पर अत्याचार किए। अत्याचारों से निराश चातन ने एक दिन नशे में धुत पोटी से कहा, यदि वो उसके मुख में दिखेगा तो उसे नर्क दिखाई देगा। पोटी ने उसके मुख में देखा, चातन ने उसकी आत्मा खींचकर उसे वहीं मार डाला। पोटी के चुंबन से स्वतंत्र होकर चातन ने उसकी इस हवेली पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और उसके परिवार के सभी सदस्यों को निर्दयता से मारा। बहुत से शक्तिशाली मांत्रिक यहाँ चातन को समाप्त करने आए, परंतु सदस्य अंत में इस परिवार के अंतिम वंशक गोदमन पोते चातन को समाप्त कर दिया।